परम पूज्य श्रद्धे श्री साहेब जी, पूजनीय संत समाज, आज हम सदगुरु कबीर साहेब जी के एक भजन पर कुछ चर्चा करते हैं। सदगुरु कबीर साहेब अनेक ढंग से अपनी बातें कहते हैं और वो बातें केवल मनोरंजन के लिए नहीं, कल्याण के लिए, मनुष्यों का दुख कैसे मिटे। अनादिकाल से यह जीव जन्म मरण के प्रवाह में जो भटक रहा है और दुख पर दुख भोग रहा है और इस संसृत चक्र में केवल वो दुख 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 पा रहा है, जो अनुकूल है वह भी दुख है, प्रतिकूल तो दुख ही है। अनुकूल कहने की बात है कुछ कि अमुक चीज, अमुक व्यक्ति, अमुक वस्तु अनुकूल है, उसी अनुकूलता में भयंकर प्रतिकूलता के कांटे निकल आते हैं। तो इन दुखों से कैसे जीव छुट्टी पावे, मनुष्य कैसे इनसे बच सके, वे अपने अनेक भजनों में, साखियों में वो बताते हैं, कहते हैं कि मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे अपनी मनः स्थिति रखना चाहिए, किस पथ पर चल करके निर्भय और संतुष्ट होकर के वो सदा एक रस आत्म स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो ये बातें अपनी वाणियों में बताते हैं, उन्हीं में से यह एक भजन है, प्रसिद्ध भजन है। आइए इसी पर कुछ मनन करते हैं। मेरो सैया निकरे गयो मैना लरे, मेरो सैया निकरे गयो मैना लरे, ना मैं बोले ना मैं चाले, ना मैं बोले ना मैं चाले, ओढ़ चुनरिया पड़े मैं रही, मेरो सैया निकरी गयो मैना लरी, मेरो सैया निकरी गयो मैना लरी। शीश महल के दस दरवाजे, शीश महल के दस दरवाजे, कौन से खिड़की खुली रही, मेरो सैया निकरी गयो मैना लरी, मेरो सैया निकरी गयो मैना लरी। हमारे संग के सात सहेलिया, हमारे संग की सात सहेलिया, ना जाने कुछ उनसे कही, मेरो सैया निकरी गयो मैना लरी, मेरो सैया। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी ब्याही से कुंवारी मैं भली, मेरो सैया निकरी गयो मैना लरी, मेरो सैया निकरी गयो मैना लरी, मैना लरी हाँ मैना लरी, मेरो सैया निकरी गयो मैना लरी। इस पद में सदगुरु कबीर साहेब मौत की करुण कथा को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। देह से मानो जीवात्मा निकल गया, अब देह अपनी व्यथा को व्यक्त कर रही है, रूपक में है। साहेब की सारी वाणियाँ रूपक में होती है, लेकिन उसका एक अपना गहरा
सिद्धांत और चिंतन होता है साहेब जी का, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कोई स्त्री हो, उसकी शादी हुई हो किसी से, किसी पुरुष से, और दोनों प्रेम से रह रहे हों, स्त्री की बड़ी तमन्ना होती है कि मुझे कोई पुरुष मिलेगा, वो मेरा पति होगा और मेरी रक्षा करेगा, मेरे साथ रहेगा, मुझे हर प्रकार से सुख सुविधा प्रदान करेगा। लेकिन वह पुरुष अगर चला जाए अचानक छोड़ करके, तो उसको कितनी व्यथा होती है, कितना कष्ट होता है, वही यहाँ पर वो मानो व्यक्त कर रही है कि मेरे पति चले गए। मैं कसम खा करके कहती हूँ कि मैं उनसे ना लड़ाई की, ना झगड़ा की, ना कोई व्यवहार खराब किया, मैं तो केवल अपने वस्त्राभूषणों को पहने हुए केवल पड़ी थी और मुझे सोते हुए वो छोड़ करके चले गए। हम जहाँ रह रहे थे वह बड़ा सुंदर भवन, आलीशाल भवन था, उसमें 10-10 दरवाजे थे, पता नहीं किस दरवाजे से चले गए। मेरे सहेलियाँ अनेक हैं और न जाने शायद उन लोगों ने कुछ कह दिया उनको और वे सह न पाए हों, उन्हें दुख हुआ हो, निष्ठुर होकर के चले गए हों, वे चले गए मुझे छोड़ करके, बहुत दुख होता है। इससे अच्छा तो मैं ब्याही ही ना जाती, कुंवारी ही रहती तो अच्छा होता, क्योंकि ना शादी होती और ना वो पति मिलते और ना मुझे इस वियोग का फिर दुख होता। ये एक रूपक है, लेकिन यह रूपक आत्मज्ञान और साधना से भरा हुआ है। सद्गुरु कहते हैं कि मानो यह शरीर कह रहा हो, ये देह कह रही हो कि जिस आत्मा से मेरा संयोग हुआ है, ग्रंथिबंधन हुआ है, जीवन जीने के लिए ये प्रारब्ध रूपी शरीर मिला है, यह अचानक एक दिन छूट जाता है, जीव अचानक यहाँ से चल देता है। कोई भी दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शरीर धरा हो और सदा रहा हो, कोई भी। लोग तो कहते हैं कि देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश, गोरखनाथ जी, दत्तात्रेय जी, सुखदेव जी, ये सब ऋषि मुनि शरीर से आज भी वे हैं, जो उनको ध्यान करता है वे उनको दर्शन देते हैं। लेकिन ये केवल कहने सुनने की बात है, अच्छा लगता है, कह लो, सुन लो, दूसरों को खुश कर दो, लेकिन ये प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो कारण कार्य की व्यवस्था है, देह की जो व्यवस्था है, वो ऐसा नहीं है। जो देह धरता है वो एक दिन छोड़ता है। जो उगे सो आथवे, फूले सो कुंभिलाए, जो चुने सो ढह परे, जन्मे सो मरी जाए। सदगुरु कबीर ने तो बीजक ग्रंथ में इन सबके लिए कह दिया है, मरि गयो ब्रह्मा काशी को वासी, शिव सहित मुए अविनाशी, मथुरा को मरि गयो कृष्ण गोवारा, मरि मरि गए दसों अवतारा, मरि मरि गए भक्ति जिन ठानी, सरगुण माँ निर्गुण जिन आनी, नाथ मच्छंदर बाँचे नहीं, गोरख दत्त अव्यास, कहें कबीर पुकार के ई सब परे काल के फांस। कोई नहीं बचने वाला है। जिनको अनपढ़ कहते हैं, जो स्कूल गया नहीं, जिन्होंने खुद अपने लिए कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चारों युग का महातम कबीर मुखे ही जनाई बात, वो स्कूल जरूर नहीं गए और कलम कागज भी नहीं छुए, लेकिन जो सत्य है, जो कल्याणकारी है, जो संसार का स्वभाव है, नियम है, जो जड़ चेतन की व्यवस्था है, साहब कहते हैं मुखे ही जनाई बात, मैं मुख से ही उन सारी बातों को व्यक्त कर दिया हूँ। ये कबीर का आत्मविश्वास है।
उनका अहम नहीं है, वो अधिकार पूर्वक कहते हैं। कुछ ऐसे उच्च कोटि के पुरुष हो जाते हैं, महान प्रातिभ, पूर्व जन्मों के दिव्य संस्कारी और सत्य को समझने वाले, और दुनिया को देख करके उनके अंतःकरण से ज्ञान निकलता है। कुछ लोग पुस्तकों को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं और कुछ लोग संसार को देख करके उनके अंदर से पुस्तकें निकलती हैं, और उन्हीं में से सद्गुरु कबीर थे, और वो साफ स्पष्ट व्यक्त कर देते हैं कि यहाँ कोई सदा अमर हो करके नहीं रहा है, जो जन्मा है वो मरा है। सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छया संयोगे विप्रयोगांतम मरणांतम ही जीवितम। सारी उन्नतियों का अंत पतन में होता है, सारे संग्रहों का अंत विनष्ट में होता है, और सारे संयोगों का अंत वियोग में, और जन्म का अंत मरण में। ये होना है। तो साहब कहते हैं कि मानो देह कह रही हो कि मेरे पति देव चले गए। इस देह में इसका पति कौन है जो इसका रक्षक हो, जो इसको संभालता हो, जो इसकी व्यवस्था कर रहा हो? वह आत्मदेव, आत्मा ही इसका पति है। आत्मा के रहने से ही इस शरीर में रौनकता होती है और इसका सौंदर्य होता है, और ये सुहागिन रहती है देह। और आत्मा निकल गया तो सारी चमक दमक, सारी गहमा गहमी सब कुछ ही क्षणों में विनष्ट हो जाता है। मलिन शरीर फिर पड़ा रहता है, कोई इसको फिर पूछने वाला नहीं है। जैसे संसार में कोई स्त्री हो और उसके पति रहने से उसका सौंदर्य, उसका सुहाग और उसके जीवन की खुशियाँ और उसका सम्मान होता है। खैर, वो तो व्यक्ति के रूप में है, और जैसे एक पति होता है पुरुष, वैसे एक नारी होती है, लेकिन सामाजिक एक प्रथा है कि पति के रहने से स्त्री का सम्मान होता है। पति ना रहे तो भी उसका सम्मान है, उसका स्वतंत्र जीवन है और जीने का हक है पूरा, स्वतंत्र मन है, और वो अपने अनुसार अपने जीवन को जी करके पूर्ण सुखी हो सकती है। लेकिन साहब, लोग प्रचलित चर्चाओं के आधार पर, जनश्रुतियों के आधार पर, जो यहाँ पर समाज में लोगों ने एक सांसारिक व्यवस्था बना रखी है, उसके आधार पर अपनी बात कहते हैं कि जैसे एक पत्नी की दशा होती है पति के ना रहने पर, वो अपने आप को असमर्थ महसूस करती है, ऐसे ही ये देह आत्मा के निकल जाने पर अब बिल्कुल असमर्थ हो गई है। तो वो अपनी बात को व्यक्त कर रही है देह कि मेरे पति आत्मा चले गए, मैंने तो उनसे झगड़ा नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं किया, और किसी ढंग से कुछ कहा नहीं, उनके सम्मान में मैंने कोई धक्का नहीं लगने दिया, और फिर भी वो मुझे क्यों छोड़ करके चले गए? कौन सी मुझसे ऐसी चूक हो गई? आखिर वे मुझे बताए क्यों नहीं? हर देहधारी की यही दशा होती है, जब देह छूटता है तो क्या आत्मा बता करके जाती है? आत्मा बस समय आया, खट से अचानक वो चल दिया, एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, और जीव यहाँ से चला गया। अब देह पड़ी है, जिस देह को ये जीव रहने पर बारंबार वो नहलाता है, धुलाता है, खिलाता है, पिलाता है, सजाता संवारता है, इसके लिए अनेक चीज़ों की व्यवस्था करता है, वही आत्मा अचानक चल दिया छोड़ करके। थोड़ा भी अपने पूर्व की याद ना किया कि मैंने जिस देह को इतना सम्मान दिया, इसको खिलाया पिलाया, पहनाया ओढ़ाया, और इसकी इज्जत सम्मान किया, और जरा सा इसको मैं याद रखूं और अपने पूर्व कृत्यों को याद करके इसके साथ बना रहूं, नहीं, कुछ भी नहीं मानने वाला है, चला जाएगा और देह पड़ी रह जाएगी। चाहे जितना वो इसकी किए हुए सुविधाओं का और इसके कृत्यों का वो लाभ लेती रहे, लेकिन अचानक खट से इसको बदल जाना है, इसकी सारी स्थितियों को बदलना है,
तो मेरो सैया निकर गयो मैं ना लरी। देह अब आत्मग्लानि करते हुए बहुत अफसोस दुख व्यक्त करते हुए कहती है कि मेरे पति देव चले गए, आत्मा निकल गए और मैंने तो कुछ उनको कष्ट नहीं दिया, कोई दुख नहीं दिया, फिर भी क्यों चले गए। बारंबार वो पीड़ित होती है। ना मैं बोली ना मैं चाली, ओढ़ी चुनरिया पड़ी मैं रही। मैं उनसे कुछ कहा भी नहीं, उनका कोई अपमान भी ना किया, कोई व्यवहार भी नहीं किया, किसी ढंग से मैंने झगड़ा भी नहीं किया और फिर भी वो छोड़ करके चले गए। मैं केवल इस देह को जी रही थी पहन ओढ़ करके, और वे रह रहे थे मेरे साथ, और इतने दिनों से साथ होते हुए भी थोड़ा भी मेरा ध्यान नहीं दिए, वे चले गए। यही होता है ना, चाहे जितना साथ में रहो और चाहे जितना वे तुम्हारा सम्मान करें, लेकिन जब जाने लगेंगे तो फिर चल देंगे। जब जो दिल में दिल बन के धड़ के गए तो ना देखा जरा मुड़ के। जो आत्मा इस शरीर में दिल बन करके धड़क रहा था और जब जाने लगता है तो मुड़ के देखता भी नहीं कि ये देह को मैंने 10 साल 20 साल 50 साल 100 सवा 100 साल से मैं इसको सजा रहा था, पहना ओढ़ा खिला पिला रहा था, इसकी हर व्यवस्था कर रहा था, अब जरा देख लूँ इसकी क्या दशा है। छोड़ते समय उसको कोई देखता है? कुछ नहीं देखता। जब छोड़ा तो गया, और देह चाहे यहाँ सड़े चाहे गले चाहे जले चाहे फूके, कुछ उसको परवाह नहीं होती है, वो बेदर्द है। ये देह में कुछ नहीं है उसके सामने, वो महान बादशाह है। और अपनी बादशाहत को याद ना करने के कारण आज जब तक ये जीवन है इस देह के मोह में लगे हुए हैं। ये देह छोड़ने योग्य है ही है, ये देह उसकी है ही नहीं है। लेकिन आज तो हम सदगुरु कबीर साहब की भाषा में देह की वकालत कर रहे हैं ना, इसलिए देह की प्रशंसा कर रहे हैं कि ये क्यों छोड़ करके चला गया। जाएगा ही, ये आत्मा ये देह का है ही नहीं है, ये बीच में मिल गया है। जैसे गाय के गले में कोई हार डाल दे, माला डाल दे, और हार कब टूट जाए गाय को पता ही नहीं है। गाय को खाने पीने के लिए मिले, चारा मिले, यही उसके लिए पर्याप्त है, वो माला पहन करके घूमने के लिए थोड़े है। बस ऐसे ही आत्मा अपने आप स्वतंत्र रहने के लिए है, आत्मस्वस्थ आत्मसंतुष्ट आत्मतृप्त रहने के लिए है, ये देह में रहने के लिए थोड़े है। ये तो उसकी भूल वश, असावधानी वश, मोह आसक्ति वश ये देह मिल गई है, और जैसे ही उसका समय समाप्त होगा वो माला टूटने की भांति कब शरीर को छोड़ के चल देगा उसे पता भी नहीं चलेगा, और देह विलखती रह जाएगी और देह संबंधित लोग विलखते रह जाएंगे। तो सद्गुरु कहते हैं कि ना मैं बोली ना मैं चाली, ओढ़ी चुनरिया पड़ी मैं रही। शीश महल के 10 दरवाजे कौन सी खिड़की खुली रही। ये शरीर शीश महल है, शीश महल का मतलब रंग महल, आनंद महल, सुंदर भव्य भवन है। कितना बढ़िया, इसमें हर चीज जड़े हुए हैं, जैसे कोई बाहर भवन हो और सुंदर दीवारें हों, बढ़िया दरवाजे जड़े हों, खिड़कियां लगी हुई हों, और उसमें सुंदर रंग कलर किया हुआ हो, और अनेक फर्नीचर पर्दे आदि आदि की सजावट हो, बड़ी कीमती कीमती चीज़ें हो वहाँ, वो घर की विशेषता है। ऐसे हजार घरों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये शरीर रूपी भवन है, और ये भवन ऐसा है कि क्या पूछना। ऐसे ऐसी खिड़कियाँ, ऐसे ऐसे दरवाजे, और ऐसे ऐसे इसके बेल बूटे जड़े हुए हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आँखें, कान, नाक, मुख, और ये शरीर का जो कलर है, कितना सुंदर कलर है दीवार में, इसका जो चमक है, इसमें कोई कलर उतरता नहीं है। जब तक आत्मा है ये भवन सदैव स्वर्णिम दिखता है, स्वर्णिम। चाहे जितना बूढ़ा हो जाए, दुबला पतला ही क्यों ना हो, काला कलूटा ही क्यों ना हो, लेकिन आत्मा के रहने मात्र से यह शीश महल लगता है, रंग महल लगता है।
सातो शब्द जुबाजते घर घर होते राग। लेकिन ते मंदिर खाली परे बैठन लागे काग। एक समय ऐसा आ जाता है कि सारे गामा पाधा नहीं की आवाज़ आती है और राग रागनियाँ बजती हैं, झूम झूम करके लोग मस्त होकर के गाते बजाते हैं, आनंद उल्लास मनाते हैं। लेकिन एक दिन जीव यहाँ से जैसे ही निकला तब शरीर भूलुंठित हो गया। और अगर कहीं जंगल में बाग उद्यान में बाहर छूट गया थोड़े ही समय में कौवे आकर के फोड़ डालेंगे उसे, और आग में डाल दिया गया तो फक से जल करके राख हो जाता है, और जमीन में गाड़ दिया गया तो कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, पानी में छोड़ दिया गया तो वहाँ कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, सड़ जाता है। ये है शरीर, चाहे जितना शीश महल हो चाहे जितना रंग महल हो, लेकिन ये होना है। कहा चुनाए मेड़िया लंबी भीत ओसारी, घर तो साढ़े तीन हाथ घना तो पौने चार। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तल्ले पर तल्ले क्या सजा रहे हो मेड़िया। मेड़िया गुजराती भाषा है, गुजरात में तल्ले पर तल्ले जोड़ने को कहते हैं। क्या मेड़ी चुना रहे हो भाई, मेड़ी मेड़िया साहब वही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कहा चुनाए मेड़िया लंबी भीत ओसारी, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें ओसारी, बड़ा बड़ा बरामदा। अरे घर तो साढ़े तीन हाथ, तुम्हारा ये घर नहीं है असली, तुम्हारा असली घर तो साढ़े तीन हाथ का है और वो आजकल में मिल जाएगा, वहाँ बहुत खिड़की दरवाजे नहीं रहेंगे, इसलिए बहुत इसका घुमान गर्व ना करो, छूटना है। साहब कहते हैं शीश महल के दस दरवाजे, कौन सी खिड़की खुली रही, कौन सा दरवाज़ा खुला था जिसमें से मेरे आत्मदेव चले गए, पतिदेव चले गए। तो दरवाज़ा आत्मा के निकलने के लिए दरवाज़ा की ज़रूरत है, कोई दरवाज़ा की ज़रूरत नहीं है। रोम रोम में इसके दरवाजे हैं, लेकिन फिर भी इसमें मानो दस दरवाजे हैं जो बड़े ही अद्भुत हैं। वो दस दरवाजे क्या हैं, दो आँख दो नाक दो कान एक मुख, कितने हो गए सात, और मलमूत्र की जगह नौ, और दसवां तालुमूल। सिर में बच्चों को देखेंगे जब छोटे बच्चे यहाँ पर टप टप करता है लपकता रहता है वो कोमल, तो दसवां दरवाज़ा। तो ये दस दरवाजे हैं और जीव के निकलने के लिए ये पर्याप्त हैं, कभी भी जीव इसमें से निकल सकता है। और फिर ये दस दरवाजे ही क्या, रोम रोम में छिद्र हैं, जीव बहुत सूक्ष्म चीज़ है। देखो रोम रोम से पसीना निकलता है, जब पानी निकल सकता है और भी कोई चीज़ निकल सकता है शरीर से, तो आत्मा के निकलने के लिए कोई बड़ी बड़ा दरवाज़ा की ज़रूरत है, कुछ नहीं। तो सद्गुरु कहते हैं कि मानो ये काया कह रही है कि कौन सा दरवाज़ा खुला था जिसमें से ये चुपचाप चले गए और मुझे कहे नहीं। वो जाना है, कभी भी चले जाएंगे, इसलिए संभल संभल करके रहो इस आत्मा के साथ और उस आत्मा से प्रेम करो। अब आत्मा से कौन प्रेम, ये देह प्रेम नहीं करेगी, आत्मा से आत्मा को ही प्रेम करना है और आत्मा द्वारा ही आत्मा का उद्धार करना है। तो शीश महल के दस दरवाजे, कौन सी खिड़की खुली रही, दस द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहबे को अचरज अहे जात अचंभो कौन। एक पिंजड़ा हो उसमें दस दरवाजे हों और एक पंछी उसमें बैठा हुआ हो और सभी दरवाजे खुले हों और फिर भी वो पक्षी उन खुले दरवाजों के पिंजड़े में वर्षों वर्षों सैकड़ों मतलब सौ से अधिक वर्ष तक बैठा हो वो पक्षी, तो उस पक्षी के बैठे रहने में आश्चर्य है, उड़ने में क्या आश्चर्य है, काहे को अचरज कर रहे हैं। ये जीव इसमें है, प्रारब्ध के
प्रारब्ध के वेग से जीव है यहाँ पर बैठा, और जब तक प्रारब्ध है, समय है, तब तक कोई धक्का देगा तो भी नहीं उड़ेगा ये पक्षी, और जैसे ही समय पूरा हुआ तो फिर कोई इसको रोक नहीं सकता, उड़ेगा ही। तो सद्गुरु कहते हैं, शीस महल के 10 दरवाजे कौन सी खिड़की खुली रही, हमारे संग की 7 सहेलियां न जाने कुछ उनसे कही। काया कहती है कि हमारे साथ में रहने वाली 7 सहेलियां हैं, और वो हैं 5 ज्ञानेन्द्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, मनोवृत्ति और बुद्धिवृत्ति। तो सद्गुरु कहते हैं कि काया मानो कह रही है कि क्या मेरी इन सहेलियों ने मेरे आत्मदेव से कुछ कहा जिससे वे रूठ करके और हमें छोड़ करके निष्ठुर होकर चले गए। एक रूपक है, मन के खराब हो जाने से, बुद्धि के खराब हो जाने से या इंद्रियों के खराब हो जाने से जीव चला नहीं जाता है, इस शरीर को छोड़ नहीं देता है। हाँ, कारण हो सकता है, जब तक प्रारब्ध पूर्ण नहीं होता है, जब तक शरीर का समय समाप्त नहीं हो जाता है, जीव के वे अपने कर्म इस शरीर में रहने के लिए समाप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक जीव इस शरीर को नहीं छोड़ सकता है। लेकिन रूपक में साहब जो अलंकारिक भाषा में कह रहे हैं वो बहुत मार्मिक है, और ये समझने योग्य है कि इस शरीर में रहने वाली इन सहेलियां शरीर के साथ में ये रहती हैं। शरीर में ही तो इंद्रियां रहेंगी, और शरीर के ही हिस्से हैं मन भी और बुद्धि भी। तो क्या इन्होंने आत्मदेव से कुछ कह दिया जिससे वे उदास होकर के, दुखी होकर के चले गए? आगे सद्गुरु कहते हैं, कहें कबीर सुनो हो संतो, ऐसी व्याही से कुंवारी मैं भली। जिस शरीर में रह करके पूर्ण संतोष ना मिले, सुख ना मिले, सब समय अभाव की खटक बनी रहे और प्रिय वियोग बना रहे, दुख बना रहे, शांति ना मिल सके, तो इस संयोग का क्या मतलब होता है? इससे अच्छा तो है कि इन प्राणी पदार्थों का संयोग ही ना होता। हर इंसान के मन में सब समय वियोग की व्यथा बनी रहती है, प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग, और मन का ना होना, चीजों की कमी लगी रहना, और अपनी शरीर तथा शरीर संबंधित समस्त प्राणी पदार्थों में अपूर्णता का बोध होते रहना, यही तो कमी है। साहब कहते हैं कि इससे अच्छा तो यही था कि ये संयोग ही ना होता, इन प्राणी पदार्थों से संबंध ही ना होता तो हम अच्छे होते। संबंध किए माने थे कि बड़ा सुख मिल जाएगा, सुख तो नहीं मिला, बल्कि और विरह व्यथा बढ़ गई, वियोग का दुख बढ़ गया, और अनेक प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं सताने लग गई। ऐसी व्याही से कुंवारी मैं भली। एक स्त्री थी, उसका पति मर गया था, दुखी होकर के वो रोने लगी और कहती है कि बिछड़ गई मेरी जोड़ी, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। इतने में सदगुरु कबीर साहब आ गए और वो कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी। जिन्होंने जोड़ा वो तोड़ा, अगर तुमको टूटने का डर था तो जुड़ी क्यों? वो केवल एक स्त्री की बात नहीं है, सारे संसार की बात है, हम सबकी बात है। यहाँ सारे संयोग टूटेंगे, सारे रिश्ते टूटेंगे, इसलिए साहब कहते हैं ऐसी व्याही से कुंवारी मैं भली। ये संयोगों से अच्छा है दूर रहना संयोगों से, और अपने आप में रहना सबसे हट करके, ये परम सुख है। लेकिन ये भोले मन को, रागी मन को, असंतुष्ट मन को, भोगी मन को अपने आप में रहने में
आनंद नहीं आता, जुड़ जुड़ करके आनंद मानता है, और इसमें कभी भी वो तृप्त तथा सुखी नहीं हो सकता। इसलिए इस भ्रम को तोड़ करके हमें गुरु ज्ञान में अपने मन को लगाना चाहिए। इस पद में सद्गुरु कबीर साहब ने बड़े रोचक ढंग से, अलंकारिक ढंग से बड़ा मार्मिक विचार कहा है। मेरो सैया निकर गयो मैना लरी, मनन करने योग्य है। आप सबके समक्ष मैंने सद्गुरु कबीर साहब की इस पद पर कुछ चर्चा किया, बस अपनी बातें यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।